होता है दोस्तों, ये अगर 60 है, इसका ये पांचवा है हमारा, कैपेसिटर 400 वोल्ट डीसी। डीसी करंट को फिल्टर करते हैं। इसमें इसको चेक करने के लिए माइनस को माइनस पे रखेंगे और प्लस को प्लस पे, एक तरफ से इस पे कुछ रेंज शो करेगा और वापस जीरो पे आ जाएगा। तो ठीक है, बीप नहीं आना चाहिए। यप, बर्न नहीं होना चाहिए। बर्न नहीं होना चाहिए, फूला नहीं होना चाहिए, तो सही है। तो ये देखें, मेरे पास एक है, इसको मैं भी चेक करता हूँ। तो यहाँ पे देखें, मैं इसको ज़ीरो पे रख डायोड पे रखा हूँ। यहाँ पे देखें, एक ये देखें कुछ रेंज आई, ये वापस चला गया। माइनस को माइनस पे रखेंगे और प्लस को प्लस पे, ठीक है। अभी मैं आपको इसके अंदर चेक कराता हूँ, ये देखें हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखें, ये इसका है, ये है, ये देखिए रेंज आई, ये इसका पिन जो है, मैं क्लियर करूं है कहाँ पे, पहले इसका पिन यहीं पे है। मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ, ये दूसरे चार्जर का, इसमें देखें क्लियर हो रहा है कि कहाँ पे पिन है इसका। तो इसको चेक कराता हूँ, ठीक है। तो ये देखें हैं, इसका एक माइनस है, एक प्लस है, ये देखें रेंज आई, कैपेसिटर ये देखें चार्जर है। मैं इस पे आपको दिखाता हूँ, तो ये देखें माइनस है इसका इधर का, ये प्लस है। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने माइनस रखा, ये प्लस रखा, ये देखिए मेरे पास दूसरा है, इसको मैं माइनस पे रखता हूँ, इसको प्लस पे, ये देखें रेंज आई, वापस चली गई, ठीक है। इसको बीप नहीं देना चाहिए, मेन चीज़ है, इसको दोनों साइड से, किसी भी साइड से बीप नहीं आना चाहिए। यहाँ से ये फूला हुआ होगा या डैमेज होगा, तो यहाँ से ये लीक हो जाता है। तो इसको चेक करने का यही तरीका है, कैपेसिटर कोई भी हो, 400 वोल्ट हो, 200 वोल्ट, जितने भी है, सबको चेक करने का एक ही तरीका है।